हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हमें तो राज इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता है। अगर आपके घर में कोई बोर्ड खराब हो जाता है और आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो भाव खाने लगते हैं, हमारे घर नहीं आते हैं, उसके बाद अपने हाथ उसको सही करने लगते हैं, तो आपको करंट लग जाता है और उनको करंट नहीं लगता है। ऐसा क्या सिस्टम होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगता है और आप लोग करंट लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में ए से जेड तक फुल जानकारी देने वाले हैं और आपको ये बताएंगे किन किन सेफ्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है ताकि आपको करंट जरा सा भी न लगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग को अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है। तो प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करें। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हाथ में यहाँ पर सारा सामान आ चुका है। अब चलिए आप लोग को चेक करके दिखाते हैं कि हमको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा और आप लोग को किस कारण से करंट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्लग देख सकते हैं। इस प्लग को अपने हम सॉकेट में लगाएंगे और आप लोग को चेक करके दिखाते हैं कि इसमें करंट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको भी हम छूकर दिखाएंगे और किस कारण से आपको करंट लग जाता है और किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको करंट ना लगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा इसमें लाइन आ रहा है और हमारा न्यूटन का वायर है, लाइन का वायर है। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा टेस्टर में लाइन चल रहा है और दूसरा वाला वायर हमारा न्यूटन का वायर है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे छुएंगे तो आपको बहुत तेज़ से करंट लगेगा। अभी हम आपको बताते हैं, बट आपको इस चीज़ को ट्राई नहीं करना क्योंकि आप लोग इस चीज़ से अनजान हैं और इलेक्ट्रीशियन लोग जो होते हैं वो बिल्कुल आसानी से छू लेते हैं। तो आप लोग देखते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी से वायर को छू रहे हैं, हमको करंट जरा सा भी नहीं लग रहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इसमें लाइन चालू है बट हमको करंट जरा सा भी नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाहे हम लाइन छुएँ चाहे न्यूटन छुएँ, हमको जरा सा भी करंट नहीं लग रहा। इसका रीज़न भी आप लोग बताते हैं क्या रीज़न होता है जिसके कारण करंट नहीं लगता। ठीक है, तो भी आपको नीचे की ओर दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं बिल्कुल आसानी से हम दोनों वायर को छू रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पर हम कैसे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं हम दोनों वायर को छू रहे हैं, जरा सा भी करंट को नहीं लग रहा है। और आप लोग नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जूते हुए पहने हुए हैं और नीचे हमारी मैट बिछी हुई है, हमको कहीं से भी अर्थिंग नहीं मिल रहा जिसके कारण हमको करंट नहीं लगता है। ठीक है, यही कारण होता है जो हमारे इलेक्ट्रीशियन आते हैं वो कुर्सी या टेबल मेज पर खड़े हो जाते हैं या फिर जूते पहने होते हैं जिसके कारण करंट नहीं लगता है। बट काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन आ देते हैं कि सर हम जो है जूते पहने रहते हैं बट फिर भी हमको करंट लग जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप कहीं पर भी वायरिंग करें, कहीं पर भी कोई अगर काम करें, तो आप लोग अपने जो है हाथ को कहीं पर ना रखें। ठीक है, जैसे आप लोग वायर जोड़ते जोड़ते एक हाथ को किसी दीवार पर रख देते हैं या दीवार से जो है जुड़ जाते हैं या दीवार को छू लेते हैं और वायर को जोड़ते हैं तो आपको करंट लग जाएगा, या फिर आप अगर भीगे चप्पल पहनकर काम करते हैं तो आपको करंट लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और आप लोग देखते हैं हम जूते पहने हुए हैं और हम कैसे वायर को जोड़ते हैं, हमको करंट जरा सा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग को इस चीज़ को घर पर ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए होता है और ये काम अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हम कर दिए, हमको करंट जरा सा भी नहीं लगा क्योंकि मुझे नॉलेज है और हमने बहुत ही सेफ्टी से ये वर्क कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा लाइन चल रहा है और फिर भी हम वायर को छू रहे हैं, हमको जरा सा भी करंट नहीं लग रहा है, चाहे हम लाइन का वायर छूएं चाहे न्यूटन का वायर छूएं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से वायर को जोड़ दें और हमको करंट जरा सा भी नहीं लग जाता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपको कहीं से भी अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी अर्थिंग मिल जाएगा तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सावधानी से वर्क करते हैं, वो टेबल या मेज़ पर चढ़ जाते हैं, जूता पहने रहते हैं, फिर वायर को जोड़ते हैं और वो करंट जरा सा भी नहीं लगता। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको हमने अपने बल्ब को निकाल दिया है, अब चलिए आपको होल्डर में बल्ब लगाकर डायरेक्ट वायर को जोड़कर दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि सर आप बल्ब लगाकर वायर को जोड़िए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमने एक वायर को जोड़ दिया है, अब चलिए इसी प्रकार दूसरे वायर को हम चलती लाइन में जोड़ेंगे और हमको करंट जरा सा भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक वायर को जोड़ा और हम इसी प्रकार दूसरे वायर को भी जोड़ दिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा इसमें लाइन चल रहा है और हमको करंट जरा सा भी नहीं लगा। ठीक है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि आप लोगों को अपने सेफ्टी से वर्क करना है, आपको जरा सा भी न्यूटन कहीं से नहीं मिलना चाहिए। जब तक आप लोगों को अर्थिंग या न्यूटन कहीं से नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को जरा सा भी करंट नहीं लगेगा। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर की फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं बिल्कुल आसानी से छू रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जूता पहना हुआ है और हमको जरा सा भी कहीं से जो है अर्थिंग नहीं मिल रहा जिसके कारण हम वायर को छू रहे हैं और करंट नहीं लग रहा है। ठीक है, और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को दोनों वायर को एक साथ नहीं छूना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग दोनों वायर को एक साथ छू लेते हैं तो आपको अर्थिंग और लाइन
दोनों मिल जाएगा, न्यूटन ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा, तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको दोनों वायर को एक साथ नहीं छूना है। अगर आप लोग जूते पहने या टेबल पर खड़े हैं, कहीं से आपको अर्थिंग नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक वायर को छू सकते हैं। ठीक है, बट मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई न करें, क्योंकि यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो भी इसको ट्राई न करें। अगर किसी कहीं पर आप लोग वायरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर चेंजर या MCB लगा हुआ तो पहले लाइन को काट लें, उसके बाद वर्क करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग को हर चीज़ बहुत सेफ्टी से करना है, और ये बिजली का करंट अगर आपको लग जाता तो आपकी जान भी जा सकती है। तो आप लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखिए, उसके बाद काम कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी चेंजर लगा, MCB लगा है, तो आप लोग लाइन काट देना, उसके बाद आपको वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि अगर बिजली का करंट लगता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई बिल्कुल भी ना करें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।